रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? एक भाई साहब का मैंने फेसबुक पे उनकी मैंने एक पोस्ट देखी, बड़ी तवील पोस्ट थी और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए थे और मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे बड़ा अट्रैक्ट की इनकी इस पोस्ट ने, और जब मैंने भी इन क्वेश्चंस को पढ़ा तो मुझे वाकई समझ आया यार ये तो कितने ज़्यादा मिसलिनियस टैक्सेस हैं जो हम दे रहे हैं। एंड फॉर दैट यू डोंट नीड टू बी अ फाइलर या नॉन फाइलर, आप बस एक पाकिस्तानी शहरी हो ना तो आपने ये टैक्सेस देने ही देने हैं। बस मुझे दुख इस बात का होता है जब हम कहते हैं ना हम लोग टैक्स नहीं देते, न्यूज़ पर सुनता हूँ जी पाकिस्तानी टैक्स नहीं दे रहे, 20% हैं जो फाइलर्स हैं और 80% हैं जो नॉन फाइलर्स हैं। तो 20% तो टैक्सेस दे रहे हैं लेकिन 80% जो हैं बकाया वो टैक्सेस नहीं दे रहे। और जब हमारा कंपैरिजन दूसरे मुल्कों से किया जाता है, यूके, यूएसए, कनाडा, वहाँ पे कितने टैक्सेस हैं, वहाँ तो बहुत टैक्सेस हैं और हम तो देते ही नहीं हैं। तो ये वीडियो मैंने कहा रिकॉर्ड कर दूँ ताकि मैं बता दूँ कि भाई हम कितने टैक्सेस देते हैं और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलता है। मैंने कहा वो भी ज़रा हकायक थोड़े बयान कर दूँ। तो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं भी आप सबसे पूछ रहा हूँ, और मुझे बताइएगा, तनकीद कीजिए आपका हक है, लेकिन सवालों को समझ लीजिएगा, सवाल हैं क्या, फिर उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। इसमें मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी मैं आप लोगों से आकर शेयर करूँ, क्योंकि मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ, मुझे पता चला ये टैक्सेस भी हैं और मैं फाइलर हूँ, ठीक है, मैं टैक्स तो देता ही देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब एक बंदा अगर नॉन फाइलर है तो उसने ये सारे टैक्स देने और मैं फाइलर, मैंने भी ये टैक्सेस सारे देने, मुझे कोई छूट नहीं है इनके अंदर, ठीक है। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि तुम पाकिस्तानी शहरी हो ना तो तुमने ये सारे के सारे टैक्स देने और इसके अगेंस्ट बेनिफिट्स कुछ भी नहीं मिले। नंबर एक, हम टैक्स नहीं देते, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट 44 क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के अगेंस्ट 44 क्वेश्चंस और जो मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, मुझे बताओ टूल प्लाजा पर हम क्या देते हैं? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, मुझे बताओ जब शिनाख्ती कार्ड बनता है तो उसकी फ़ीस को क्या कहते हैं? नंबर फोर, मुझे बताओ जब हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं या पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसको उसके लिए जो आप पैसे लेते हो वो क्या है? क्वेश्चन फाइव, मुझे बताओ जब होटल पर जब खाना खाने जाते हो तो वो जो 22% लिया जाता है वो क्या है? क्वेश्चन सिक्स, मुझे बताओ जो बिजली के बिल में लग कर आता है उसका क्या नाम है? अच्छा, बिजली के बिल से याद आया, बिजली के बिल में ना 35 रुपये, ठीक है, वो आपके कटते हैं, लग के आते हैं टेलीविज़न फ़ीस के नाम से, ठीक है। अब देखा जाए तो आपको कोई 35 रुपये यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लाखों रुपये उजाड़ देते हैं, 35 रुपये से क्या फ़र्क पड़ना है? देखो, 1 रुपये से भी बड़ा मैटर करता है। मैं आपको वो एग्ज़ाम्पल दूंगा, प्रूफ दूंगा ताकि आप लोग खुद समझो। पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, मान के चलते 22 करोड़ आबादी है, तो हम इस 100% ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, हम कहते हैं इसमें से 25% ऑडियंस ले लेते हैं, यानी कि 5 करोड़ लोग हम ले लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि 22 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन लगे होंगे, उनको बिल जाता होगा। अब 5 करोड़ को ज़रा मल्टीप्लाई कर लें 35 रुपये से, जो कि टेलीविज़न फ़ीस है। पहले PTV, पहले एंटीना फ़ीस के नाम से आती थी, बाद में केबल आ गई तो उन्होंने कहा यार नहीं ये तो लोग देंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको PTV, हम इसको टेलीविज़न फ़ी करते हैं, क्योंकि टेलीविज़न तो हर एक के घर में है ना। तो 35 रुपये हर बंदे को पड़ते हैं जो उसने हर महीने देने होते हैं। अब 35 रुपये का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 5 करोड़ से, ठीक है, हमने सैम्पल साइज़ ले लिया 25% ऑडियंस ऑफ 100% आउट ऑफ 100% ऑडियंस, 5 करोड़ को ज़रा खुद ज़रब दो जाके 35 से, ये बनते हैं 175 करोड़ रुपया। हर महीने वापडा 175 करोड़ रुपया लेती है पाकिस्तानियों से, वो फाइलर नॉन फाइलर कोई मैटर नहीं करता, उनसे लेती है टेलीविज़न फ़ीस के नाम पे। इसके अलावा भी बेशुमार और टैक्सीज आई, तो सर मैंने छोटी सी एक अमाउंट निकाली है, ठीक है, 175 करोड़ रुपया आता है वापडा को महीने का। अब इसको साल से ज़रब दें, 12 से ज़रब दें, तो ये मेरे ख्याल से 2000 प्लस बन जाता है, यानी 2000 करोड़ रुपया वापडा को सालाना सिर्फ ये टेलीविज़न फ़ीस के नाम पर हमसे लेती है। और अभी मैंने अज्यूम किया है कि सिर्फ 5 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन लगे हैं, अगर उससे ज़्यादा होंगे, अगर लेट से 10 करोड़ हैं तो 2000 करोड़ को जो है आप इसको डबल कर दो, 4000 करोड़ हो गया, ठीक है, यानी लेकिन कम से कम मान लो, चलो 2000 करोड़ भी ना करो, साल का 1000 करोड़ रुपया वापडा के पास जाता है टेलीविज़न फ़ीस के नाम पर। इसके अलावा टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा और हैं, उनको डालो तो एक खरबों में बात चली जाएगी, ठीक है, 2000 करोड़ या 175 करोड़ महीने का सिर्फ वो टेलीविज़न फ़ीस जो 35 रुपये उसके नाम पे। तो भाई कहाँ से हम खसारे में हैं, फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी हमारे ट्रांसफार्मर्स ख़राब है, हर चीज़ ख़राब है, बिजली की तारें ओपन पड़ी हुई हैं, मतलब हर चीज़ ओपन रखी हुई है, कोई चक्कर नहीं ऐसा।
ठीक है, और मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है बेचारों के पास, लाइन मैन बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल हालात हैं। तो ये हकाइक हैं, ठीक है, ये समझिए ज़रा, इस चीज़ को समझें, खुद कैलकुलेशन कर लो। मैंने 100% आबादी में से 25% आबादी को हिट किया है, 5 करोड़ को तरफ दे दो सिर्फ 3500 रुपये से, जो कि PTV चल टेलीविजन फीस के नाम पे ले रहे हैं, 175 करोड़ रुपया महीना जा रहा है वापटा को, ठीक है, साल का 2000 करोड़ बन रहा है, और ये कितने सालों से लिया जा रहा है। तो अभी भी आप कहते हो गुर्बत है, मुल्क खसारे में है, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट खसारे में, भाई कहाँ से। इसी तरह बाकी बिल्स उठा के देख लो बाकी महकमों के, आपको किस पॉइंट क्लियर समझ आ जाएगा कि टैक्स के नाम पे कितना कुछ ले रहे हैं और हम कितना टैक्स दे रहे हैं। ये हम बाहर के मुल्कों से जब कंपैरिजन करते हैं ना, ज़रा ये हकायक कंपेयर करो, ये 44 क्वेश्चंस कंपेयर करो, तो समझ आएगी कि हम बाहर के मुल्कों से 100 गुना ज़्यादा टैक्स देते हैं। एंड फॉर दैट वी डोंट नीड टू बी अ फाइलर और नॉन फाइलर, हमें सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, अवाम को तो पता नहीं इस पैसे का, और हमारे अवाम भी जो है वो कैलकुलेट करती नहीं है। मैं तो एक दिन कैलकुलेट करने बैठ गया, मैंने कहा यार ये बिल में कितने टैक्सेस लग के आ रहे हैं, फाइलर को भी अगर इतने टैक्सेस ला के आ रहे हैं और नॉन फाइलर को भी लग के आ रहे हैं, तो बेनिफिट क्या है। सब बात समझो, खुद कैलकुलेट कर लो, एक काम करो बिजली का बिल उठाओ देखो, खुद कैलकुलेट करो। GST के नाम पे टैक्स है, पेट्रोल बढ़ जाता है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे टैक्स है, और वो हज़ारों रुपये के हिसाब से टैक्स बन जाता है। ये तो 3500 रुपये का ज़रब दिए ना 5 करोड़ के साथ, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का टैक्स 1900 रुपया भी है, अपनी मर्ज़ी से डालते हैं, किसी को 2000, किसी को 1900, किसी को 75 रुपये, किसी को 100 रुपये, किसी को 3000। तो सोचो 1000 रुपये को ज़रा मल्टीप्लाई करो 5 करोड़ से महीने का, कितना बंदा साल का कितना बना। तो कहाँ से ये खसारे में है वापडा आज तक समझ नहीं आई मुझे, पिछले 70 सालों से मुझे समझ नहीं खसारा होता क्या है। इतना पैसा ले के ये पैसा जाता कहाँ है, ये पैसा वापडा के अप्लाइंसेस पे, ट्रांसफार्मर्स पे, पोल्स पे, बिजली पे ये लगाते क्यों नहीं है, अभी भी लोड शेडिंग होती क्यों है समझ नहीं आती, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई पूछने वाला है नहीं, हम लोगों ने चीज़ छोड़ दी हुई है, ठीक है। एनीवेज ये एक आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर किया, खुद चेक करो, ठीक है, खुद अपना बिल पकड़ो जाके चेक करो। अच्छा जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, मुझे बताओ जो मोबाइल सेट पर लिया जाता है उसका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे बताओ जो फ़ोन कार्ड पर कटौती की जाती है उसका क्या नाम है। मुझे बताओ जो सुई गैस के बिल पर लग कर आता है उसका क्या नाम है। क्वेश्चन 10, मुझे बताओ जब हम गाड़ी लेते हैं उस वक्त जो लेते हो वो क्या है। इसी तरह क्वेश्चन 11, जब प्रॉपर्टी खरीदते हो उस वक्त क्या लेते हो, जब प्रॉपर्टी लेते हो खरीदते हो उस वक्त क्या लेते हो, जब प्रॉपर्टी सेल करते हो उस वक्त जो लेते हो वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, मुझे बताओ जब हम पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं उस वक्त अब हमसे जो चीज़ लेते हो वो क्या है। क्वेश्चन 14, मुझे बताओ जब हम मिनरल वाटर, कोक की बोतल, स्प्राइट, पेप्सी पीते हैं या खरीदते हैं उस वक्त जब हमसे लेते हो वो क्या है। सिगरेट लेते वक्त जो अमाउंट लेते हो वो क्या है। मुझे बताओ जब हम दवाई खरीदने जाते हैं उस वक्त जो हम लेते हो वो क्या है। दवाइयों के ऊपर कितने टैक्सेस लगते जा रहे हैं, पिछले 2 साल में कोई 70-72 रुपये वाली मेडिसिन 400 रुपये की हो गई है। ये इतनी प्राइसेस तो बढ़ जाती हैं, इतना पैसा भी तो बढ़ता है, वो जाता कहाँ है मुझे समझ नहीं आती। फार्मास्यूटिकल कंपनी उठा के देख लो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज उठा के देख लो, ये मोबाइल कार्ड वाली कंपनी उठा के देख लो, हर जगह पे प्रॉफिट की जिसे कहते हैं ना अखीर है। अखीर मतलब मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि कितना प्रॉफिट है, कितना पैसा है, लेकिन वो पैसा लगता नहीं है, समझ नहीं आ रही बात। और फिर हम कहते हैं हम टैक्स नहीं दे रहे। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 15, मुझे बताओ जब हम सिगरेट, अच्छा ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताओ जब हम दवाई खरीदते हैं उस वक्त जो टैक्स लेते हो वो क्या है। क्वेश्चन 17, मुझे बताओ जब हम मोटरवे पर सफ़र करते हैं तो उस वक्त जो हमसे लेते हो वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे बताओ जब हम कपड़े और जूते लेते हैं उस वक्त जो हमसे लेते हो वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, मुझे बताओ जब हम अस्पताल में एडमिट होते हैं उस वक्त जो हमसे लेते हो वो क्या है। हॉस्पिटल में टैक्सेस के नाम पर बड़ा मिसलिनियस अमाउंट भी डली होती हैं बहुत मिस। इसलिए हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग कहीं हमारे सामने बिल आते हैं तो हम उसके डिटेल बिल मांगते नहीं हैं, हम एक ओवरऑल अमाउंट देख लेते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते कि भाई अगर ये 50,000 है, 60,000, 1,00,000 है तो उसमें एक्चुअल मतलब कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है, ज़रा सेग्रीगेट कर दो। जब आप हॉस्पिटल वाले से पूछते हैं ना भाई, वो फिर मतलब लड़ते हैं आपसे, सर हम नहीं बिल दे सकते, पैसे आप खर्च कर रहे हो, अगर आपका 1,00,000 रुपये बिल है तो आपको पता होना चाहिए ना 1,00,000 के अंदर लगा क्या है। यकीन करें उतने की चीज़ें नहीं लगी होती जितने का बिल आपको दे दिया जाता है, लेकिन हमारी नाहली है, हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करते। लेकिन मुझे खुशी है कि चले जो हमारी यूथ है ना, मतलब मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है, हमारी यूथ में मैंने देखी है चीज़ें, वो क्वेश्चन करते हैं, वो पूछते हैं, वो डिटेल में जाते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा जी
क्वेश्चन नंबर 20, मुझे बताओ जब हम मोटरसाइकिल और साइकिल खरीदते हैं उस वक्त जो आप हमसे लेते हैं वो क्या है। क्वेश्चन 21, मुझे बताओ जब हम बच्चे की जन्म पर्ची बनवाने जाते हैं तो वो क्या है। क्वेश्चन 22, मुझे बताओ जब हम डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उस वक्त जो हमसे लेते हैं वो क्या है। 23, मुझे बताओ जब हम ज़मीनों की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस वक्त जो हमसे लेते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, मुझे बताओ जब हम नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं तो जो हमसे लेते हैं वो क्या है। 25, मुझे बताओ जब हम पानी वसा का पानी इस्तेमाल करते हैं तो जो हमसे लेते हो वो क्या है। 25, 26, मुझे बताओ जब हम जब ज़मींदार अपनी फसल मंडी में ले जाता है वहाँ पर जो फीस देता है वो क्या है। 27, मुझे बताओ जब सालाना फीस आप शहरों में घरों के नाम पर लेते हैं हाउस टैक्स के नाम पर वो क्या है। हाउस टैक्स भी इन्होंने डबल ट्रिपल टाइम बढ़ा दिए हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स जो आता था ना ट्रिपल टाइम बढ़ा दिए गए, मतलब मैं फिर समझता हूँ, सोचता हूँ यार टैक्स कौन नहीं दे रहा। चलो मैं फाइलर हूँ तो बाकी जो है वो भी तो टैक्स दे रहे हैं, जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे ये कितना ले रहे हो। मैं भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहे हैं, तो फ़र्क क्या रह गया। फिर क्यों कहते हो कि हम टैक्स नहीं दे रहे। ये जो मिसलिनियस टैक्सेस हैं ये कहाँ जा रहे हैं। आप हमारे वो जो है ना ये फाइलर नॉन फाइलर वाले टैक्स से इतना पैसा नहीं बना रहे जितना पैसा ये मिसलिनियस टैक्सेस से बना रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ये सारी चीज़ों का ख्याल रखिए, पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों पर नज़र रखे, जस्टिफाई इनसे रिपोर्ट मांगे। वो लाहौर पार्किंग कंपनी वालों की आई है ना रिपोर्ट, 100 में से 7 नंबर आए हैं, लेकिन अभी भी वो जो है अपना काम करें, 10 रुपये वाली पर्ची 20 रुपये की, 30 रुपये की, 40 रुपये की बेच रहे हैं, क्योंकि अवाम आगे से क्वेश्चन नहीं करती। अवाम कहती है भाई ठीक है हम दे देंगे कोई बात नहीं। जब आप क्वेश्चन करोगे गिरबान पकड़ोगे कि भाई 10 वाली चीज़ जिस पे लिखी है जो तू मुझसे 20-30 रुपये क्यों मांग रहा है, तो समझ आएगी आपको। खैर हम ये नहीं करते। 27, 28, मुझे बताओ जो टेलीविज़न की महाना फीस बिजली के बिल पर लग कर आती है वो क्या है। 29, मुझे बताओ जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे फीस देते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, मुझे बताओ जब कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में फीस देते हो वो क्या है। 31, मुझे बताओ गाड़ियों को सालाना टोकन लगता है उसका जो उसका क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 32, मुझे बताओ असले की लाइसेंस और रिन्यूअल की जो फीस लेते हो वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 33, मुझे बताओ ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त और इसकी रिन्यूअल करते वक्त जो आप फीस लेते हो वो क्या है। 34, मुझे बताओ जब इंटरनेट पर कटौती करते हो उसका नाम क्या है। 35, मुझे बताओ जब सरकारी महकमे से अवाम जो सरकारी महकमे से जो भी अवाम ने लाइसेंस या NOC लेना हो उस पर जो अमाउंट देते हो वो क्या है। 36, मुझे बताओ नीलम सरचार्ज बिजली के बिलों में लग कर क्यों आता है वो क्या है। निकाह नामे रजिस्टर कराने के लिए जो फीस देते हो उसका क्या नाम है। 38, मुझे बताओ बच्चों का बे फॉर्म बनाने के लिए जो फीस लेते हो वो क्या है। 39, मुझे बताओ हर चीज़ पर जो GST लेते हो उसका क्या नाम है। 40, मुझे बताओ बॉर्डर एरिया से दरख्त काटने और मालिक की अपनी ज़मीन से मिट्टी या रेत लेके जाने जो फीस लेते हैं वो क्या है। 41, मुझे बताओ किसी भी अदालत में दावा दायर करने के लिए जो पहले फीस लेते हो वो क्या है। 42, मुझे बताओ बिजली और गैस का मीटर लगाने से पहले जो सरकारी लवाजमात लेते हो वो क्या है। 43, मुझे बताओ मुलाजमीन की तनख्वाहों में से जो कटौती करते हो वो क्या है। 44, मुझे बताओ बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने के लिए जो सरकारी फीस लेते हो वो क्या है। 45, मुझे बताओ पानी के बिल पर जो टैक्स लग कर आता है वो क्या है, इसका नाम क्या है। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने TV की एक चैनल पर कह रहे थे कि अवाम टैक्स नहीं देती, ठीक है। ये हर बंदा कहता है जी हम पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। अगर अवाम टैक्स नहीं देती तो फिर ज़रा मुझे ये बता दिए ये क्या चीज़ें हैं जो हम देते हैं टैक्स के नाम पर। अवाम से रसीदें मांगने की बजाय ये जो आप अवाम से लेते हैं, अगर इसका हिसाब सिर्फ आप एक दिन ईमानदारी से देते तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितना टैक्स देते हैं और इसके अगेंस्ट हमें क्या बेनिफिट मिलता है। इवन बहुत से सारे टैक्सेस तो ऐसे हैं जिनका मुझे भी आज ही पता चला है। तो ये सारे मिसलिनियस टैक्सेस हैं, इसके लिए आपको फाइलर नॉन फाइलर होना ज़रूरी नहीं। आप बस एक पाकिस्तानी शहरी हो ना तो आपसे टैक्सेस के नाम पे ये सारे मिसलिनियस टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है ना ये सारा का सारा जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है ना ये सारा का सारा जो है ना इन चीज़ों को देखे, इन हर अदारों से पूछे कि भाई ये जो टैक्स के नाम पे आप मिसलिनियस टैक्सेस के नाम पे जब पैसा ले रहे हो पैसा जा कहाँ रहा है, ताकि ये पैसा जो है ना फिर गवर्नमेंट जब पाकिस्तान पे लगाएगी तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान में हर चीज़ होगी, कोई भी अदारा जो है ना बैंकरप्ट नहीं होएगा। और हर अदारे के पास पैसा है। ऑल यू नीड टू हैव अ चेक एंड बैलेंस। आप मॉनिटरिंग कीजिए, मॉनिटरिंग के लिए ऐसे बंदे बैठाइए, फाइनेंशियल क्या है कॉमन से बंदा ही, मैं कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने हिसाब किताब करके आपको दे दिया जी 3500 रुपये फीस के हिसाब से अगर आप 25% आबादी से ले रहे हैं ना तो आप 175 करोड़ रुपया वापडा ले रहा है TV फीस के नाम पे, और 2000 करोड़ रुपया सालाना उसको आ रहा है सिर्फ ये टेलीविज़न फीस के नाम पे बिल में। इसके अलावा कितने टैक्सेस हो रहे हैं, तो वापडा तो किसी एंगल से खसारे में नहीं है ना। हमारी आज तक 70 साल में बिजली सही हुई है ना, ट्रांसफार्मर्स लगे हैं,
ना कोई मसला हल हुआ है। इसी तरह वासा का भी सूरत हाल यही है, हर गैस का मतलब हर अदारा, पाकिस्तानी हर अदारा। तो जब हम ये देखेंगे ना कि ये टैक्सेस के नाम पे हम क्या दे रहे हैं, हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, तो फिर हम अपने आप को ना दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम उनसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस दे रहे हैं भाई, उनको इतने टैक्सेस लग के नहीं आते। उनसे अगर वो 40% टैक्स ले रहे हैं ना, तो वंस फॉर ऑल काट के अगर 100 रुपया कमाया तो 40% उन्हें रख लिया, 60 रुपये उनको मिले, तो बाद में जो चीज़ें हैं उन पर उनको टैक्सेस नहीं लग रहे, उनको बेनिफिट बहुत मिल रहे हैं। हमसे आप 100 रुपये में से 30 रुपये वहाँ पर काट लेते हो और बाकी 70 में से भी आप काटते हो 50%, पीछे रहता ही कुछ नहीं। तो एक्चुअल हमारा टैक्स जो है ना कोई 70-80% कट रहा है और उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास तो ख़त्म ही हो गई है ना। मिडिल क्लास थी पहले अमीर और गरीब के ज़माने की मिडिल क्लास हुआ करती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब मिडिल क्लास ही ख़त्म कर दी गई है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। तो हम ये इन चीज़ों का जब ख्याल रखेंगे, ये पता करेंगे ये पैसा कहाँ जा रहा है, किस अदारे से किधर जा रहा है, तो फिर हम जो है ना समझ जाएंगे कि हम टैक्स के नाम पे कितना टैक्स दे रहे हैं, और हम अपना कंपैरिजन दूसरे मुल्कों से नहीं करेंगे। मुझसे क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन 44 पूछे हैं ना, ये भाई साहब ने जो पूछे हैं, इनका जवाब ज़रूर दीजिए, ठीक है। और प्लीज़ लॉजिकल बातें पूछिएगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं टैक्स देता हूँ, ठीक है, मैं उसके अलावा ये वाले टैक्सेस भी देता हूँ, ये आप भी देते हो, मैं भी देते हो, इसके लिए आप फाइल एंड नॉन फाइल होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। तो अपनी कैलकुलेशन कीजिए और मुझे अपनी जो है ना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।